भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह का झगड़ा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अब खेसारी लाल यादव के समर्थन में आरजेडी इस जंग में खड़ा हो गया है। दरअसल आरजेडी नेता अनिल सम्राट खेसारी लाल यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं। आरजेडी नेता अनिल सम्राट ने खेसारी लाल यादव के समर्थन में एक फेसबुक लाइव किया है, जिसमें उन्होंने पवन सिंह और उनके फैन पर जमकर हमला बोला है। अनिल सम्राट ने फेसबुक लाइव में कहा है कि पुरुषार्थ कभी निजता के लिए स्वयं को ललकारता नहीं, जिसमें पौरुष होता है वो सदैव समाज हित, जनहित, राज्य हित व राष्ट्रहित में स्वयं के स्वार्थ को भूलकर राज्य एवं राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करता है। मैं तो उस भगवान कृष्ण का वंशज हूँ जो कि सदैव ही समाज निर्माण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और राष्ट्र निर्माण के लिए संपूर्ण विध्वंस भी किया। तो आज फिर से परिस्थितियों ने कुछ ऐसा ही करवट लिया है कि कुछ लोगों ने वही कुरुक्षेत्र के सभा में एक बेटी के चरित्र के हनन करने की दुस्साहस किया। तो मैं उन लोगों से ये चेतावनी पूर्वक कहना चाहता हूँ कि जब अश्वत्थामा जैसा दुराचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बावजूद हमारे कुल के दीपक का नाश नहीं कर सका तो आप कौन हैं? मुंह नहीं मोड़ सकते। तो मैं तो उस भगवान कृष्ण का वंशज हूं जो कि सदैव ही समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और राष्ट्र निर्माण के लिए संपूर्ण विध्वंस भी किया। तो आज फिर से परिस्थितियां कुछ ऐसी करवट ली हैं कि कुछ लोगों ने वही कुरुक्षेत्र के सभा में एक बेटी के चरित्र के हनन करने का दुस्साहस किया गया है। तो मैं उन लोगों को यह चेतावनी पूर्वक कहना चाहता हूं कि जब अश्वत्थामा जैसा दुराचारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बावजूद भी हमारे कुल के दीपक का नाश नहीं कर सका तो आप कौन हैं? आप खुद से ही सवाल कर लीजिएगा। ऐसे में जाहिर है कि दोनों भोजपुरी स्टारों की लड़ाई अब फिल्म जगत से निकलकर राजनीति के मैदान में पहुंचती नजर आ रही है और इस लड़ाई से न सिर्फ भोजपुरी बल्कि पूरे बिहार की गरिमा धूमिल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज़।